नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कैंसिल ट्रेनों को लेकर। होली समाप्त होने के बाद एक बार फिर से ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। यात्रियों की संख्या रेलवे स्टेशन पर बढ़ने लगी है। ऐसे में सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर चकमकरंद अक्षर बटराय नगर के बीच में डबल लाइन का काम पूरा हो गया है। अब इस रूट में ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। ऐसे में पहले इस रूट पर सिग्नल, ट्रैक, लिंकिंग, क्रॉसिंग पॉइंट सहित सभी तकनीकी कार्यों को 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक प्री एनआई और 24 मार्च को एनआई काम करना होगा। इस कारण से 24 मार्च से पटना जयनगर के साथ साथ 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इतना ही नहीं, इस रूट से गुजरने वाली मेल और एक्सप्रेस के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में भी अस्थायी बदलाव किया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं रद्द ट्रेनों को लेकर। ट्रेनों के बारे में अगर हम आगे बात करेंगे, उसमें है जो गाड़ी संख्या 15549 15550 जयनगर पटना जयनगर एक्सप्रेस 24 मार्च को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 03379 बरौनी पटना मेमू स्पेशल ट्रेन, यह भी 24 मार्च को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल ट्रेन, इसके बाद गाड़ी संख्या 05519 05520 वैशाली सोनपुर वैशाली स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। इसके बाद गाड़ी संख्या 05266 पाटलिपुत्र दरभंगा मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन आंशिक रूप से पाटलिपुत्र और मुजफ्फरपुर के बीच में रद्द रहेगी। बता दें कि ये ट्रेन 24 मार्च को रद्द रहेगी। हमने आप ऊपर में जो जिन ट्रेनों का नाम लिया वो 24 मार्च को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव कौन कौन सी वो सी ट्रेन है आपको बता दें कि इन रूटों में कार्य होने के कारण जो है कई ट्रेनों को एक तो पहले रद्द कर दिया गया, उसके बाद कई ट्रेनों के रूटों में जो है बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें कि 23 मार्च को 20502 आनंद विहार टर्मिनल अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन दानापुर मोकामा न्यू बरौनी जंक्शन के रास्ते चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12524 नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन गोरखपुर पनियाहवना कपरपुरा मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। इसके बाद 24 मार्च को गाड़ी संख्या 13206 पाटलिपुत्र सहरसा जनहित एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन पाटलिपुत्र मोकामा न्यू बरौनी जंक्शन के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसके बाद 13106 बलिया सियालदह एक्सप्रेस के रूट में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन परमानंदपुर पहलेजा घाट पाटलिपुत्र मोकामा के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। वहीं 23 मार्च को नई दिल्ली से खुलने वाली 22450 नई दिल्ली गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन दानापुर मोकामा न्यू बरौनी जंक्शन के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। बता दें कि होली समाप्त होने के बाद एक बार फिर से लोग अपने अपने काम को लेकर लौटने लगे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ रेलवे के ट्रेन कैंसिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकले, यानी कि आप प्रदेश जा रहे हों, एक बार फिर से आप काम पर लौट रहे हों, तो ट्रेनों को जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई ट्रेनों को बिहार में कैंसिल किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।